अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी, पालक गोश्त। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 300 ग्राम जितना गोश्त लिया था, जिसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने स्लाइसेस चॉप कर लिया था। इसमें हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना ही इसमें मैं डालूंगी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें जो आएगा, और इसके साथ में जो आएगा इसमें 2 कप जितना पानी, और इसमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल भी जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में हम जो है इसको कुकर का लीड लगा लेंगे और 4 से 5 5 जो है इसका विजल ले लेंगे। तो या तो फिर तब तक पका लीजिए जब तक कि गोश्त जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है। तो अभी इसको हम निकाल कर चेक करेंगे कि गोश्त गला है या नहीं। अगर गोश्त गल गया होगा तो इसके अंदर पानी जो है काफ़ी है, तो इसका पानी जो है हम अच्छे से सुखा लेंगे, अच्छा पका लेंगे, और जितना एक्स्ट्रा इसमें वाटर है उसको हम सुखा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है अच्छे से सूख गया है। अब इसमें हम डाल देंगे पालक। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 गड्ढी पालक ली थी और 1 गड्ढी मैंने मेथी डाली हुई है, लेकिन जो मेथी है वो इसमें छोटी जाती है, लेकिन मुझे यहाँ पर छोटी मेथी नहीं मिल रही है, तो मैंने बड़ी गड्ढी डाल दी एक मेथी की। अब बड़ी मेथी की जो गड्ढियाँ थी वो मैंने डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करेंगे, और इसको 10 मिनट तक हम फास्ट फ्लेम पर ही पका लेंगे। और नमक थोड़ा सा इसमें कम ही जाएगा क्योंकि पालक में जो है नमक ऑलरेडी होता है। तो इसको मैंने कवर कर लिया, और 10 मिनट के बाद में इसको अब हम चेक करेंगे। देखिए तो ये जो पालक गोश्त है वो तो बनकर रेडी हो गया है, लेकिन थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें मैं अभी क्या करूँगी, 2 मैंने हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, और फिर इसको मैं कवर करके 5 मिनट और पका लूँगी। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, और ये पालक, हैदराबादी पालक गोश्त जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हैदराबादी पालक गोश्त जो है वो बनकर तैयार है। आप इसको राइस के साथ में, बॉयल राइस के साथ में खा सकते हो, रोटी के साथ में खा सकते हो, और बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है ये। तो चलिए, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।